अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और इसको मैं जो हूँ वो एगलेस बनाऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पाव चिकन लेकर उसकी छोटी छोटी बोटियाँ काट दी थी और साथ ही मैंने जो है इसमें डाला हुआ है 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ हसबे जायका। नमक के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। 2 खाने के चम्मच या 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस और साथ ही मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। उसकी भी क्वांटिटी मैंने सेम सोया सॉस जितनी रखी हुई है, 2 खाने के चम्मच या 1 टेबल स्पून। और अब यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो इसमें पानी डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने जो है वो ऑलरेडी सोया सॉस और सिरका डाला हुआ था, लेकिन अगर फिर भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि जो है वो फिर ज़्यादा पतला हो जाए। बस 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा गरम नहीं किया है मैंने उसको। और इसकी फ्लेम जो है वो मैंने रखी हुई है मीडियम, लो टू मीडियम के बीच में मैंने इसकी फ्लेम रखी हुई है। और अब मैं इसमें जो हूँ वो चिकन डाल रही हूँ जो हमने मैरिनेट किया था। और इसमें जो है वो चिकन में एकदम से आपने डाल के ही चम्मच नहीं चला देना, थोड़ी देर आप इनको फ्राई करें 1 मिनट तक और उसके बाद जो है वो आप इसमें चम्मच चलाएं। और इनकी जो है वो दोनों साइड आपने जो है वो फ्राई करनी है अच्छे से। और ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो वैसे भी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन आपने इनकी साइड जो है वो ज़रूर चेंज करनी है क्योंकि जो है वो ये फिर एक साइड से काले हो जाएंगे और दूसरी साइड से इनका कलर नहीं आएगा तो ये बहुत ही ख़राब लगेगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन बन के तैयार हो गया है और मैंने इसको कोई जलाया वलाया नहीं है, तो आप भी इसको जो है वो जलाइएगा मत। और अब मैं इसको अलग से एक प्लेट में रख दूँगी निकाल के। और अब यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल और इसका फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम टू हाई। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजरें। गाजरें मैंने ली हैं 1 कप और ये बहुत ही पतली सी गाजरें थी तो मैंने इसको जो है वो स्क्वायर में नहीं काटा, उसको बस मैंने ऐसे ही इसके जो है वो पतले पतले स्लाइसेस कर लिए थे। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। गाजरें फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप प्याज जिसको मैंने स्क्वायर में काट लिया था। आप चाहें तो 2 छोटे प्याज जो होते हैं उनको लेकर आप काट दें, सेम क्वांटिटी आपकी बन जाएगी। और अब प्याज को भी मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी। अब इधर इसमें जा रहा है स्क्वायर में कटा हुआ शिमला मिर्च 1 कप। मैंने जो है वो 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लेकर उनको स्क्वायर में काट दिया था। और अब इसको भी मैं जो हूँ वो थोड़ी देर के लिए सौते कर रही हूँ। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हसबे जायका। अगेन हमने जो है वो इसका नमक ज़्यादा तेज़ नहीं रखना क्योंकि इसमें जो है वो सोया सॉस और सिरका जाएगा। और अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जिसको हमने बना के साइड में रख दिया था, तो अब उसकी बारी आ गई है इसमें जाने की। और इसको भी जो है वो मैं जल्दी जल्दी सौते कर लूँगी हाई फ्लेम पर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब ये सब डालने के बाद मैं इसको जल्दी जल्दी जो है वो मिक्स कर दूँगी ताकि ये जल ना जाए। हाई फ्लेम है तो बार बार इसको जो है वो मिक्स करना ज़रूरी है वरना ये फिर आपका जल जाएगा।
और अब यहाँ पे आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि मुझे केचप से सख्त नफरत है, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं हर रेसिपी में जिसमें केचप जाता है उसमें मैं ये चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देती हूँ। आप चाहें, आपको केचप पसंद है तो आप जो है वो केचप ऐड कर सकते हैं इसमें। केचप डाल देने के बाद अब यहाँ पे मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो है वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और अब मैं इसमें फाइनली डाल रही हूँ पानी, 1 प्याली या 1 कप पानी डालने के बाद अब यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आ जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको 1 प्याली पानी में डिसॉल्व कर लिया था और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है वो पूरी प्याली डाल दूँगी जो मैंने बनाई थी। और इसको जो है वो आप देख सकते हैं कि उससे जो है ये कितना गाढ़ा और अच्छा हुआ है। और अब बस मैं इसका फ्लेम जो हूँ वो ऑफ करूँगी। मंचूरी हमारी बन के तैयार है और अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। मैं इनको चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।